हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी सीक्रेट्स बाय शिप्रा। तो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ काफ़ी दिनों बाद आप सबके लिए एक वीडियो लेकर। वैसे तो आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉ मिल्क के जो फ़ायदे होते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे चेहरे के लिए, उसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग सभी जानते हैं कि समय के साथ, एज के साथ जो हमारा स्किन का कलर होता है वो डल होता जाता है। तो हमारी जो स्किन का कलर डल हो जाता है, वैसे तो उसके बहुत से कारण होते हैं और उन्हीं में से एक कारण होता है कि हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती है ना, तो हमारा जो कलर होता है वो डल होता जाता है। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए, तो इस समस्या का एक सबसे सिंपल सा उपाय है कि आप कच्चा दूध अपने फेस पे अप्लाई करें। डेली आप 5 से 10 मिनट के लिए कच्चा दूध अपने फेस पे लगाएं। कटोरी में, एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें और कॉटन को डिप करके अपने पूरे फेस पे 5 मिनट या 10 मिनट के लिए लगाकर सुखा लें और फिर उसे नॉर्मल वाटर से धो लें। तो आपके जो स्किन में डलनेस आ गई है ना, वो आपकी सारी डलनेस दूर हो जाएगी और वापस से आपका जो चेहरा है वो पहले की तरह निखर जाएगा। दूसरा जो स्किन का कलर डल होने का कारण होता है कि जैसे हम लोग बाहर आते जाते हैं, या वर्किंग लेडीज़ के साथ तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बाहर जाते हैं, धूप के संपर्क में आते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो सन टैन हो जाता है। तो सन टैन को दूर करने के लिए, हमारी टैनिंग की प्रॉब्लम के लिए भी जो कच्चा दूध है यानी कि रॉ मिल्क है, वो बहुत यूज़फुल होता है। तो आप उसे अपने फेस पे लगाएं और डेली बेसिस पे लगाएं और थोड़े ही समय में आपको उसका जो फ़ायदा है वो दिखाई देने लगेगा। आपने बहुत सी ब्यूटी वीडियोस देखी होंगी या दादी नानी के भी नुस्खे आपने देखे होंगे, सुने होंगे, तो उसमें हमेशा आपने सोचा होगा कोई भी हम अगर उपटन बनाते हैं तो उसमें कच्चा दूध का इस्तेमाल करते हैं और सभी लोग यही कहते हैं कि कच्चा दूध हो तो बेहतर है, अदरवाइज आप मिल्क भी, नॉर्मल मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कच्चा दूध सब इसलिए बोलते हैं क्योंकि कच्चे दूध में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो स्किन को लाइट करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन में ग्लो लाता है, टैनिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसे दूर करता है, हमारी डलनेस को दूर करता है। तो इसी वजह से जितनी भी होम रेमेडीज बताई जाती हैं हमें, चाहे तो बेसन का उपटन हो, चाहे आटे का या चावल के आटे का उपटन हो, उन सभी में कच्चा दूध डालने के लिए बोला जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कच्चा दूध जो होता है वो स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरा, उसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन में जितने भी दाग धब्बे होते हैं उन सबको दूर करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो भी आप, या दाग धब्बे बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पर हो रहे हैं, तो आप कच्चा दूध अप्लाई कीजिए, सबसे अच्छी होम रेमेडी है। आप कोई भी क्रीम पर बिलीव करें या ना करें, लेकिन आप कच्चा दूध इस्तेमाल करें, आपके जो चेहरे के दाग धब्बे हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ उपटन भी बैठे बैठे बता देती हूँ। तो जैसे बेसन है, बेसन में आपने हल्का सा हल्दी, पिंच, एक पिंच हल्दी ऐड कर लीजिए और 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध ऐड कर लीजिए और इसे आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे ना, तो आपके सारे दाग धब्बे वगैरह सब दूर हो जाएंगे। चाहे तो आप चावल का आटा यूज़ कर सकती हैं, चाहे तो आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकती हैं। बस आपको करना क्या है कि उसमें कच्चा दूध ऐड करना है और थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है और फेस पैक आपको लगा लेना है। और जैसे अगर आप वर्किंग लेडी भी हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, तो आप 2 मिनट के लिए, जैसे आप कुछ टीवी देख रही हैं या म्यूजिक सुन रही हैं या कुछ रिलैक्स करने के लिए बैठी हैं, तो उसी टाइम 5 मिनट आप अपने फेस पे कच्चा दूध लगा लीजिए और आपको निखार उसी टाइम आपको देखने को मिलेगा। और आप जरूर से ट्राई करना। ये मैंने ट्राई किया है, मैं अपने जब टीन एज में थी तब भी मैं कच्चा दूध यूज करती थी अपने फेस पे। और कच्चा दूध जो है वो क्लींजर होता है एक तरीके से, आप इसे एज अ क्लींजर भी यूज कर सकते हैं कच्चे दूध को। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई क्लींजर नहीं है तो आप कच्चे दूध को एज अ क्लींजर अपने फेस पे यूज कर सकती हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, अनगिनत फायदे होते हैं कच्चे दूध के, तो आप जरूर से कच्चा दूध इस्तेमाल करें। एक और आपको होम रेमेडी बताती हूँ। वैसे आप ये जो होम रेमेडी मैं बता रही हूँ, अगर आपकी स्किन को सूट करे तब ही यूज करना। 2 से 3 चम्मच आपको कच्चा दूध लेना है, उसमें 1 पिंच नमक ऐड करना है, 1 पिंच। मैंने और मेरी सिस्टर ने बहुत टीन एज में ये यूज़ किया है। आपकी जितनी भी डेड स्किन है ना, वो सारी इस रेमेडी से दूर हो जाएगी। 3 से 4 चम्मच आपको कच्चा दूध लेना है, उसमें
पिंच, एक पिंच से भी कम नमक ऐड करना है। फिर कॉटन की हेल्प से अपने पूरे फेस पे उसे अप्लाई करना है। 5 मिनट बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को धो लेना है, तो आपकी जितनी भी डेड स्किन की जो प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाएगी और स्किन बिल्कुल ग्लोइंग आपको दिखाई देगी। बिल्कुल ग्लोइंग स्किन और बिल्कुल साफ सुथरी स्किन आपको मिलेगी। लेकिन पहले आप इसे ट्राई कर लें, अपने हाथ पे ट्राई कर लें। अगर आपको इचिंग या जलन की प्रॉब्लम ना हो तो ही अपने फेस पे अप्लाई करें, मैं पहले से आपको बता देती हूँ। तो कुछ थोड़े बहुत जो कच्चे दूध के फायदे थे, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, तो ये जरूर से यूज करके देखिएगा। जिसे भी पिंपल्स की, एक्ने की प्रॉब्लम्स है या फेस में डलनेस आ गई है, ग्लो चला गया है, तो आप कच्चे दूध को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। आपकी जितनी भी समस्याएं उन सभी का समाधान आपको अपने ही घर पे मिलेगा, क्योंकि और कोई चीज हम हमारे घर पे लेके आए या ना लेके आए, दूध तो डेली हमारे घर पे आता है। तो दूध जैसे ही आए आप एक कटोरी दूध जरूर से निकालें और उसे अपने फेस पे अप्लाई करें कच्चे दूध को, तो इसके आपको अनगिनत फायदे मिलेंगे। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।